तो फाइनली दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल का एक और नया वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों अगर आपका Facebook अकाउंट कुछ इस तरह से समवन में हैव लॉग्ड इन योर अकाउंट में चला गया, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप ऐसे अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताया तो आपका अकाउंट वो प्रॉब्लम में क्यों फंसते हैं, मतलब आपका अकाउंट में वो प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपका फेसबुक अकाउंट आपने कोई दूसरे डिवाइस में या फिर दूसरे फोन में लॉग इन किया या फिर अपना फेसबुक अकाउंट में कोई ऑटो लाइकर वगैरह यूज़ करने के लिए ट्राई किया या फिर कोई दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉग इन किया, तब आपका अकाउंट में वो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादातर अकाउंट में वो प्रॉब्लम आती है जब अकाउंट में कोई दूसरे डिवाइस में या फिर कोई दूसरे फ़ोन में लॉगिन करती है, लॉगिन करने के बाद अकाउंट में कोई फोन नंबर मतलब कोई नंबर मेल चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं या फिर कोई नया नंबर ऐड करने के लिए कोशिश करते हैं, तब अकाउंट कुछ इस तरह सेफ्टी में चला जाती है। और कभी कभी अपना अकाउंट में कोई अपने डिवाइस में कोई मतलब जो है ना टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह ऑन करने से आपका अकाउंट में वो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखो वो प्रॉब्लम मतलब जब वो प्रॉब्लम आती है तब आपको कैसे मतलब अकाउंट को ओपन करना होगा मैं आपको बताया था, ठीक हो। दोस्तों देखो वो जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम फेसबुक आपका हेल्प के लिए मतलब आपका सहायता के लिए वो अकाउंट यहाँ पर जो मतलब वो जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन ऐड किया है, ठीक है। दोस्तों मान लो आपका फेसबुक अकाउंट ने अकाउंट को मैंने लॉग इन कर लिया आप मेरा फ़ोन में और आपका फेसबुक अकाउंट का मेन नंबर और मेल ऊपर रिमूव करने के लिए ट्राई कर रहा हो और रिमूव करके मेरा नंबर ऐड करने के लिए ट्राई किया, तो मेरा मतलब आपका जो फेसबुक अकाउंट है ना अकाउंट कुछ इस तरह से सीपीवी में चला जाएगा, ठीक है। देखो फेसबुक को लगता है आपका अकाउंट हैक मतलब हैक हो रहा है और तब आपको मतलब आपका अकाउंट में कुछ इस तरह सीपीवी में वो फेसबुक वाले रख देते हैं, ठीक है। दोस्तों देखो अगर आपका अकाउंट आपका है तो आप अपना अकाउंट का आपका आईडी प्रूफ अपलोड करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर अकाउंट मेरा है तो मैं मेरा आईडी प्रूफ अपलोड करके अकाउंट को ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। दोस्तों देखो अगर अकाउंट का विनर आप है तो आप ओपन कर सकते हो और विनर का विनर मैं हूँ तो मैं मेरा आईडी प्रूफ अपलोड करके ओपन कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले ऐसे अकाउंट को आप कैसे ओपन कर सकते हैं मैं आपको बताया तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जैसे आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा या फिर आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको सिंपली कंटिन्यू में क्लिक कर लेना होगा। दोस्तों आप लोग जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे यहाँ पर ट्राई अनदर ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे, दोस्तों देखिए आप लोग जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपका फोन में मतलब काफ़ी सारे आईडी में एक ही ऑप्शन आते हैं और वो ऑप्शन सारे आईडी में आते हैं वो है अपलोडेड आईडी मतलब अपलोडेड फोटो आईडी का, ठीक है। और जो अपलोड फोटो आईडी का ऑप्शन है ना कम से कम मतलब सारे आईडी में आती है, ठीक है। दोस्तों देखिए उसका मतलब क्या है और उससे कैसे आईडी ओपन होती है मैं आपको आज के इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों देखो आपको कोई ऐसा आईडी प्रूफ होना होगा जो आईडी प्रूफ का नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका फेसबुक अकाउंट का नेम और डेट ऑफ बर्थ से पूरी तरीके से मैच होती है तब आपका फेसबुक आईडी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका अकाउंट का नेम और डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं होती है तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा आईडी प्रूफ के, और ऐसे अकाउंट आईडी प्रूफ के बिना ओपन नहीं होते। और मैंने बीपीएन से भी बहुत बार ट्राई किया, बीपीएन से भी ऐसे अकाउंट बाईपास नहीं होते, ठीक है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कोई दूसरे ऑप्शन आ रहा है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ का या फिर फोन में कोड आने का ऑप्शन आ रहा है तो आप अपने अकाउंट को आसानी से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे अकाउंट में यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहा है और मतलब ईमेल में कोड आने का ऑप्शन आ रहा है और अपलोड आईडी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपलोड आईडी का मतलब बारे में बात करूँगा तो सिंपली मैं यहाँ पर अपलोड आईडी का जो एक ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। और वो जो ऑप्शन है ना वो मतलब सारे आईडी में वो ऑप्शन आते हैं अपलोड आईडी प्रूफ का, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या होगा आपको जो अपलोड आईडी प्रूफ का एक ऑप्शन आ रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। करने के बाद सिंपली आपको दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर अपलोडेड फोटो आईडी का जो एक ऑप्शन आ रहा है ना आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। दोस्तों देखो यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऐसा आईडी प्रूफ नहीं है तो आप अपने फेसबुक आईडी को ओपन नहीं कर सकते और आप वो मतलब ऐसे अकाउंट को आईडी प्रूफ के बिना ओपन नहीं होते, मैंने बहुत बार ट्राई किया। और अगर आपके यहाँ पर कोई दूसरे ऑप्शन आ रहा है मैं बार बार बता रहा हूँ तो आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको सबसे पहले अपलोडेड फोटो आईडी में यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। आप लोग मतलब अपलोडेड फोटो आईडी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए एक कंटिन्यू का ऑप्शन देखने मिल जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ कंटिन्यू में क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका यहाँ पर आपका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस मैरिज कार्ड या फिर आपका नेशनल आईडी पर आईडी प्रूफ वगैरह है तो आप अपने फेसबुक अकाउंट में इससे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, देखो मतलब काफ़ी सारे भाई का नेशनल आईडी प्रूफ के बारे में पता नहीं है तो भाई नेशनल आईडी अपने आईडी प्रूफ में आप अपना जो मतलब आप अपना जो है ना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक कर लेना हो। करने के बाद सिंपली आप अपना मतलब आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है मतलब कोई भी आईडी प्रूफ जो है ना आपको आईडी प्रूफ अपलोड कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली मेरा ड्राइविंग मतलब मेरा एक आईडी प्रूफ अपलोड कर लिया। करने के बाद इस बॉक्स में आपको टिक देना होगा, देने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर लेना होगा।
दोस्तों आप लोग जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे आपका जो आईडी प्रूफ है दो तीन सेकंड में आईडी प्रूफ कंप्लीट से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ईमेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना कोई भी एक ईमेल डालना होगा, ठीक है। अब अगर आपका अकाउंट का ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ पर सिंपली अपना अकाउंट का ईमेल एड्रेस दे दीजिए। अगर आपके पास अपना अकाउंट का ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, मतलब जिस ईमेल के थ्रू फेसबुक आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है। तो आपको सिंपली आप यहाँ पर ईमेल को कुछ इस तरह टाइप कर लेना हो, करने का सिंपली आपको यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। आपको सिंपली कंटिन्यू में क्लिक करना होगा, करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको इस बॉक्स में टिक देकर सिंपली आपको यहाँ पर फिर से कंटिन्यू में क्लिक कर लेना होगा। दोस्तों आप लोग जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों कुछ ही देर में आपका जो मतलब आईडी प्रूफ है ना कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर आईडी, ठीक है। तो आपका अगर आपका आईडी प्रूफ फ्री है ले तो आपके पास 24 आवर्स के अंदर SMS आ जाएगा। अगर आपका आईडी प्रूफ मतलब मैच नहीं होगा तो आपके पास SMS नहीं आएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा था, वो जो ऑप्शन है ना वो देखिए जीमेल में कोड आने का ऑप्शन आ रहा है। तो इस ऑप्शन से आप कैसे ओपन कर सकते हैं मैं आपको बताया तो सिंपली आपको यहाँ पर जैसे जीमेल में कोड आने का ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहाँ पर इस जीमेल मतलब जीमेल का मतलब पहला ऑप्शन और लास्ट का ऑप्शन शो होगा। अगर आपके पास वो जीमेल है तो आपको सिंपली आपका इस जीमेल में आपको कोड मिल जाएगा, तो आपको सिंपली कंटिन्यू में क्लिक कर लेना होगा। आप लोग जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको मतलब आपका जीमेल में एक कोड आ जाएगा, 8 डिजिट का एक कोड आ जाएगा। तो कोड को कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइप कर लेना होगा। आपको कोड को टाइप करने में सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है ना अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोड सही एंटर किया तो आपका अकाउंट जस्ट ना ओपन हो जाएगा, अगर आपने कोड गलत एंटर किया तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो कर देना मतलब इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए या फिर अगर आप एक फेसबुक यूजर है तो आप मेरे चैनल में जाकर और भी कुछ वीडियो देख सकते हो। अगर आपको हमारे चैनल का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को कर देना लाइक, और थोड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ और अगर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।